करनाल में कल देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर तेज रफ्तार वॉल्वो बस ने दो कारों को टक्कर मार दी। दोनों कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर के साथ लगते खड्डों में जा पलटी। हादसों में चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा सड़क पर पड़े अधूरे निर्माण कार्य के कारण हुआ। पुलिस ने वॉल्वो बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बस ये निर्मल कुटिया से पहले थोड़ा चढ़ना से पहले कार आ रही थी, बड़ा साइड से एक बस आ रही थी, तो उन्हें आपस में टच हो गया, डिसबैलेंस होया। एक कार तो पार्क की तरफ निकल के अपा इस दूसरी साइड में आई रोड की तरफ, तो दोनों गाड़ियां मतलब अलग अलग जगह पर लट गई। हाँ 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 दोनों गाड़ियां अलग। तो गाड़ी का पता चला, बीटी कराई होगी सर? हाँ हाँ गाड़ी का पता चला है, तो मुलाजिम जा रहे हैं। ठीक है, तो घायल है इसमें तीन चार लोग, बस एक बच्चे का थोड़ी बहुत चोट है, वैसे ऊंचा हो गया। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।